नमस्कार प्रिय साथियों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। घर से आप जब कभी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें, कोई बिजनेस डील है, आपको कुछ ज़मीन खरीदनी है या कोई बड़ा काम आपके आप करने के लिए निकलें, तो आपको उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको खा करके आप घर से निकलें तो आपके लिए अति शुभ रहेगा, इस विषय पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से जाएं, तो अपनी धर्मपत्नी से कहे कि आपके जाने के बाद घर में पोछा ना लगाए या जाते वक्त भी घर में पोछा ना लगाए। वैसे भी घर में पोछा बहुत कम गिने चुने दिनों में ही लगाना चाहिए। नंबर दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भले ही मजाक में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बहस या किसी भी प्रकार का कलेश आपके परिवार में नहीं होना चाहिए। हंसी खुशी क्यों ना हो, लेकिन बहस जो है वह व्यक्ति के दिमाग की सारी एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ करके रख देती है। फिर जो आपको एनर्जी आप अपने व्यापार में लगाओगे, बिजनेस में लगाओगे, बाहर जाकर जो ग्रह नक्षत्र या आपका पुण्य काम करेगा, वह तो सारा का सारा वहीं ख़त्म हो गया। तो फिर बाहर खाली के खाली आप लौटोगे। तो किसी भी प्रकार की बहस या कलेश घर में नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, फटे पुराने कपड़े पहनकर, पुराने टूटे हुए जूते पहनकर कभी भी विशेष कार्य के लिए नहीं जाने चाहिए। एकदम व्यक्ति को टिप टॉप रहना चाहिए। फटे पुराने कपड़े, जूते आदि प्रयोग करने से व्यक्ति का शुक्र खराब होता है, उससे उसकी जो लग्जरी लाइफ है उसमें बाधाएँ आती हैं। इसका खास ध्यान रखें। और घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ या कोई मीठा पदार्थ खा करके अवश्य निकले तो आपके लिए शुभ रहेगा। कामना करता हूँ छोटी सी पर सटीक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।